नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव यादव। इस समय हम मौजूद हैं अशोक नगर की कृषि उपज मंडी में। यहां पर चना की नीलामी चल रही है और हमारे साथ यहां के चना के कुछ व्यापारी हैं। उनसे जानेंगे कि इस समय चना की क्या स्थिति है, कितने दाम चल रहे हैं और कितनी आवक हो रही है। पहले तो आपका मार्केट टाइम्स टीवी में बहुत स्वागत है। क्या स्थिति है चना की? चना बहुत तेज है, आवक कम है। कितना दाम चल रहा है? जहाँ 650 तक बिक रहा है ऊपर में। अच्छा, और आवक कितनी हो रही है? आवक होगी 1000 बोरी होगी मुश्किल से। आपका क्या कहना है, क्या स्थिति है इस समय चना की? आमदनी अभी लगभग 2000 बोरी के आसपास हमारी मंडी में डेली आ रहा है। आगे चल के चना में एक महीने अभी आमदनी और बढ़ेगी, क्योंकि किसान अभी खाद बीज डीजल की डिमांड है, तो किसान और 3000 बोरी हो जाएगी, 1000 बोरी और बढ़ जाएगी। ये जुलाई तक चलेगी, उसके बाद थोड़ी चने की शॉर्टेज होने लगेगी, फिर उसके बाद भाव आगे निर्भर करेगा। और अभी जो क्या दाम चल रहे हैं? अभी अभी 6400 6650 रुपए है, लेकिन आगे अगर सरकार का एक्शन नहीं रहा तो चना काफी ऊपर जाएगा। कितना अनुमान है जाने का, कौन से समय तक जा सकता है चना? फिलहाल की पोजीशन में अभी जुलाई तक 7000 रुपए हो जाएगा एक महीने में। हाँ, मतलब एक महीने में कितने पैसे बढ़ सकते हैं? क्या एक महीने में 500 रुपए बढ़ जाएगा? 500 रुपए। और इसका जो उस समय तक आवक कैसी रहेगी? आमदनी तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि किसान के लिए खाद बीज डीजल इसके लिए आवश्यकता है, और चने के भाव बहुत तेज है, इसलिए किसान चना बेचने में रुचि दिखा रहा है। चना की इस बार कैसी आवक हुई है, शुरुआत से कैसे भाव रहे? पिछली साल से हमारे इधर चना की डबल क्रॉप है सोनर मंडी में। पिछली साल इस टाइम आता था 1000 बोरा और इस टाइम आ रहा है 2000 बोरी। हाँ, तो आगे और भी आगे भविष्य काफी अच्छा है चने का। तो मतलब इसके बाद क्या स्थिति रहेगी? जैसे अगस्त या सितंबर में चना एक बार 9000 से 10000 रुपए बिक सकता है। अच्छा, यानी कि ये तो काफी फासला हो गया, बहुत अंतर। हाँ, बिकेगा 9 से 10000 रुपए। इसके पीछे क्या वजह मानते हो, क्यों? इसके पीछे चने की भारी शॉर्टेज है। अच्छा, हाँ, मतलब डिमांड और पूर्ति में काफी अंतर है। आपूर्ति और डिमांड में जो डिमांड है वो डबल रहेगी, आपूर्ति आधी रहेगी। डिमांड यानी इसकी बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो जाएगी जुलाई अगस्त के बाद। अच्छा, जब डिमांड का महीना रहेगा। अभी डिमांड कमजोर क्या हुआ है, क्योंकि शादी ब्याह अभी नहीं है। अभी सरकार से भी स्टॉक लिमिट लगेगी या लग सकती है, तो उससे भी व्यापारी डरा हुआ है। हाँ, उस टाइम जब जुलाई अगस्त में किसान का माल नहीं आएगा ना, तो डिमांड रहेगी और माल रहेगा आधा, तो फिर कहाँ से पूर्ति होगी, तो इसलिए इसके दाम बढ़ेंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? चने में काफी तेजी रहेगी, ये बता रहे हैं ये जो चने में काफी तेजी रहेगी। अच्छा, कितना अनुमान है, कितनी तेजी जो भैया कह के गए हैं ना, वही रहेगी। माल है कम और मांग है ज्यादा, उस हिसाब से। इसके पीछे क्या लगता है, किसानों का क्या रुझान कम हुआ है चना की? कम चना का रुझान तो पिछली साल से ज्यादा हुआ है, आवक दुगनी हुई है। हाँ, लेकिन व्यापारियों की हिसाब से मांग ज्यादा है चने में और आवक कम है, इसके ऊपर डिमांड बढ़ती, ऊपर डिमांड बढ़ेगी। तो इसके जैसे अगर दाम ज्यादा होंगे तो उसको आपको क्या लगता है, किसानों का रुझान भी बढ़ेगा क्या? हाँ, किसानों का रुझान बढ़ेगा, किसान बोनी ज्यादा करेंगे चने की। तो जो पिछले साल से इस साल बढ़ा है और भी बढ़ने का अंदाज? हाँ, और भी बढ़ जाएगा इसका रकबा, और भी बढ़ जाएगा। जो शुरुआती समय था उस समय कितनी आवक हो रही थी जैसे चने का? शुरू में तो आवक कम थी, किसानों ने चना दबा लिया था कि उस टाइम पे 54-55 रुपए बिक रहा था, लेकिन इसके बाद भाव बढ़ा जो 64-65 रुपए बिका, तो फिर किसानों ने निकालना शुरू कर दिया। बात करने के लिए।